राजपाल यादव हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता हैं जो कि हिंदी सिनेमा में अपने कॉमिक रोल्स के कारण जाने जाते हैं। वे अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से बॉलीवुड में खासे मशहूर हैं। वे हिंदी फिल्मों के बेहतरीन हास्य कलाकारों में से एक हैं। राजपाल यादव का जन्म छोटाउप्रा के लखनऊ के पास स्थित जिला शाहजहानपुर में हुआ था। उनकी स्कूली पढ़ाई शाहजहानपुर से ही हुई थी। वे शाहजहानपुर थिएटर से जुड़ हुए थे, जहां पर उन्होंने कई नाटक किए। इसके बाद 1992-93 के दौरान वे लखनऊ के भारतीय दूरनाट्य अकेडमी में थिएटर ट्रेनिंग के लिए आ गए। वहां 2 साल का कोर्स करने के बाद 1994-97 के दौरान वे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए। इसके बाद वे 1997 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। पाल की शादी राधा यादव से हुई है। उन्होंने दूरदर्शन के टेलीविजन सीरियल मुंगेरी के भाई नारंगी लाल में अभिनय किया। यह दूरदर्शन पर ही प्रसारित होने वाले सीरियल के हसीन सपने का ही सीक्वेल था। वे नेगेटिव रोल्स करने में सफल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कॉमेडी रोल्स को ज्यादा तवज्जो दी, जैसा कि उन्होंने प्यार तूने क्या किया में अभिनय किया था। और इसके बाद वे हिंदी फिल्मों के मुख्य हास्य कलाकार बन गए। हंगामा, वक्त है रेसिंग इस टाइम, चुप चुप के, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, ढोल जैसी फिल्मों में उन्होंने दर्शकों को खूब लोटपोट किया। कॉमेडी फिल्मों के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में अग्रणी अभिनेता के तौर पर कैरेक्टर रोल्स भी किए, जैसे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, लेडी स्टिल, हेलो हम ललन बोल रहे हैं, कुश्ती, मेरी पत्नी और वो आदि। फिल्म जंगल में निभाए गए उनके नेगेटिव रोल के लिए उन्होंने सेंसरी स्क्रीन बेस्ड एक्टर अवार्ड जीतने के साथ साथ स्क्रीन के बेस्ड एक्टर अवार्ड के लिए भी उन्हें नामांकित किया गया। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ के लिए उन्हें यश भारती अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें जनपद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।